मेरा नाम अमय देसाई है और मैं मुंबई से हूँ। शख्स आज इस देश में 10 लाख के आसपास लोग पार्किंसंस डिसीज से जूझ रहे हैं। पार्किंसंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेल्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसलिए उनका मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता। पार्किंसंस डिसीज के 90% पेशेंट्स आर ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज। एक पार्किंसंस पेशेंट को चलते समय ऐसा लगता है जैसे उनके पैर है ना जमीन पे से चिपक गए, राइट? सो वो उठा नहीं पाते। आप इमेजिन कीजिए अगर चलते चलते ऐसा हो जाए तो यू विल जस्ट काइंड ऑफ ट्रिप, राइट? तो वो ऐसे आगे गिर जाते हैं। फ्रीजिंग ऑफ गेट कहते हैं इसे। फ्रीजिंग अनप्रेडिक्टेबल होती है, वो कहीं भी हो सकती है। घर में चलते वक्त, टर्न लेते वक्त, फर्नीचर के बीच ऐसे नेविगेट करते वक्त, या इवन रोड पर सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो आप वहाँ भी गिर सकते हैं, राइट? और इससे सीरियस इंजुरीज हो सकती है, शोल्डर फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, डेथ भी हो सकती है। हमने बनाया वॉक। इंडिया का पहला वेयरेबल मोबिलिटी एड है जो पार्किंसंस में फ्रीजिंग ऑफ गेट में हेल्प करता है। वॉक पहनने से जो चलने का डर था, जो गिरने का डर था, वो एकदम कम हो जाता है। सो ये एक ऐसा वेयरेबल बैंड है, इसे ऐसे पैर पर पहना जाता है। दोनों पैर पे इसको पहनते हैं एंड इससे स्टिम्युलेशन जो होता है उससे चलने में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता है। देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन इट? नो, इट यूजेस हैप्टिक्स, अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन बैटरी पावर्ड होता है? यस, बैटरी पावर्ड। अच्छा, ठीक। अब हमने वॉक को 150 से ज्यादा लोगों पर पायलट किया है एंड वी हैव हैड मोर देन 80% एफिशिएंसी। नितिन शिरोडकर जी करके है, उन्हें पार्किंसंस है। वो हफ्ते में 5-6 बार तो गिर ही जाते हैं। It has been 9 years since I have been diagnosed for Parkinson's. See, the moment I walk straight, there is no problem at all. The moment there is an obstacle in front of my root, then my leg freezes and then I try to fall down. जमीन पे चिपक जाता है, तो मेरे को difficulty होती है पैर उठाने की। डर लगता है जो आप मुड़ते हैं तब। बट डिवाइस डालने के बाद उनका जो टर्निंग है ना वो इजी हो जा रहा है। बेल्ट स्टिमुलेट्स द माइंड, क्या कौन सा लेग उठाना चाहिए, उसे आसानी हो जाती है, गिरने का डर कम होता है। उनकी वॉकिंग स्टिक भी छूट गई? यस। मोबिलिटी है ना, वो हर एक इंसान की एक बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटी है और मैं इसीलिए वॉक को हर बुजुर्ग के हाथ में पहुँचाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरी आस्क है 50 लाख्स फॉर 1.5% इक्विटी। आपके एडवाइजर्स कौन है? माय फाइनल सेमेस्टर वाज स्पेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। अच्छा, ठीक है। तो वहां मेरे जो सुपरवाइजर थे, ही इज वेरी गुड एट ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पाइनल न्यूरोफिजियोलॉजी। उसके अलावा कोई है एज एन एक्सपर्ट एडवाइजर? यस, सो वी हैव अ पैनल ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट। कितने न्यूरोलॉजिस्ट है? अबाउट 5 न्यूरोलॉजिस्ट हु आर एडवाइसिंग अस ऑन दिस। और ये अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है या बेचते हो? नहीं, ये रेडी है, बट हमारे कुछ रेगुलेटरी स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं। हमने जस्ट फंडिंग वगैरह कर लिए। फंडिंग कर लिया? बेसिक फंडिंग, एक ग्रांट मिल गया हमें, जिसके वजह से हम हमारा रेगुलेटरी स्टेप्स सारा कंप्लीट कर सकते हैं। प्राइस क्या है इसका और यूजफुल लाइफ? सो यूजफुल लाइफ इज बिटवीन 2 and 5 ईयर्स एंड इसका प्राइस 36,000। 36,000। आई वुड गिव 50 लाख फॉर 5% ऑफ इक्विटी। आई एम विलिंग टू मैच अमित की जो ऑफर है, 50 lakhs, 5%. तो 50 lakhs for वही 5%. Aman and I will come in together. मैं अपनी offer revise करती हूँ to 4%. चलो match किया। मैं भी अपना offer revise कर रहा हूँ 3.5%. 3.5%. Okay, 3.5%. अब आप जाइए और सोच के आता हूँ। Thank you. All the best. बोलिए अमाय जी, आप किसको चुनेंगे? तो मेरा एक काउंटर ऑफर है 2.3% फॉर 50 लाख। डील डन, चल हम करते हैं। आई एग्री, चल हम करते हैं। आई वुड गो विद डाइवर्सिटी हियर, सो सॉरी अमित जी, बट नो वरी, ऑल द गुड जॉब, गुड डिसीजंस, गुड जॉब, गुड जॉब। इट्स अ कूल एंटरप्रेन्योर। पारो इंडिया का पहला नारियल शक्ति पर आधारित क्लीनिंग ब्रांड है। मैं हूँ सिमरन, कोपारो की सीईओ एंड फाउंडर। हम बनाते हैं बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं इको फ्रेंडली, पेट सेफ और चाइल्ड सेफ। हमारी रेंज इंक्लूड करती है डिश वॉशिंग लिक्विड, लॉन्ड्री ग्रे के प्रोडक्ट्स, होम एंड सर्फिस क्लीनर्स, हैंड वॉशेस, स्पेशलिटी क्लीनर्स और क्लीनिंग एक्सेसरीज। पिछले 2.5 सालों में हमने
3 लाख यूनिट भारत के कोने कोने तक पहुंचाई है। हम प्रेजेंट हैं मेजर ई कॉमर्स साइट्स पर, अपनी ऐप पर, अपनी वेबसाइट oparoclean.com पे, और अब हमने ऑफलाइन की जर्नी भी शुरू करी है। मेरी आस है 70 लाख्स फॉर 1%। तो शार्क्स, आप साइन करना चाहेंगे ये क्लीन और ग्रीन डील? थैंक यू। That's an air freshener. You can pick up a fragrance strip. Ah, nice. And what is this? Don't tell me you're launching t-shirts. No, we are not. This is a t-shirt washed in our laundry care. Ah. So I just wanted you. What is this? That's an all-purpose cleaner and hand wash. And this is a detergent. ये काफी clean और fresh है इसकी smell, जो all-purpose cleaner है. Yes. It doesn't feel chemically. आपका एयर फ्रेशनर तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, ये स्ट्रिप पे ट्राई किया। आप एकदम से क्लीनिंग से एयर फ्रेशनर पे चले गए, मतलब एक सेगमेंट डाइवर्जन नहीं है? हमारे एयर केयर एक्चुअली हमारे ऑफलाइन एक्टिवेशंस में हमारा बहुत मदद करते हैं। अच्छा। जहाँ पे लोग इस प्रोडक्ट को टच एंड फील कर सकते हैं, और ओवर द लास्ट 2.5 ईयर्स फ्रेग्रेंसेस हमारे USP बन गए हैं। डिशवॉश लिक्विड 500 ml, ये बिकता है 159 rupees का। ओह, नॉट बैड। एंड कंपैरेटिव एंड द विम लिक्विड इज 125 rupees। नॉट बैड। दैट्स अमेजिंग। दिस इज द एंट्री पैक एंड दिस इज अ 27% प्रीमियम। जैसे पैक साइज बढ़ते हैं तो प्रीमियम्स भी और भी अट्रैक्टिव होते हैं। अगर मैं लॉन्ड्री लिक्विड में जाऊं तो 2 लीटर एक स्वीट स्पॉट होता है लॉन्ड्री में। हमारा एक 1.8 लीटर है, बिकता है 529 rupees का। इसमें आते हैं 45 डोजेस। और सर्फ एक्सेल का जो फ्रंट लोडिंग लिक्विड है वो बिकता है 440 का, जिसमें आते हैं 33 डोजेस। तो हमारा हुआ 11.7 रुपीस पर डोज, उनका हुआ 13.3 रुपीस पर डोज। तो ये तो आपने बेहतर कर दिया है प्राइस। कितना है रेवेन्यू? पिछले महीने हमारा रेवेन्यू रहा है 80 लाख्स। नॉट बैड। लास्ट ईयर कितना था रेवेन्यू? 4.5 क्रोर्स। एंड दिस ईयर प्रोजेक्टेड? 12 क्रोर्स। ओह वेरी नाइस, बट इट्स स्टिल वेरी अर्ली। मतलब आप कह रहे हैं 400 करोड़ के बाद सीधा 12 करोड़ का ब्रांड इज नंबर 2? क्योंकि अभी नेचुरल केयर में स्पेस इतनी क्राउडेड नहीं है। आपने इतनी गट्स है कि आपने प्राइस पॉइंट सर्फ, मतलब जो मार्केट लीडर है, उसके आसपास रखा है। मतलब दैट इज फिनोमिनल। मैं आपको ऑफर देती हूँ 70 लाख्स 2%, विच इज 35 करोड़ की वैल्यूएशन। ओह वाओ, 70 लाख इन्वेस्टमेंट फॉर 1.16% ऑफ योर, तो वेरी क्लोज टू व्हाट यू वांटेड, बिकॉज़ एक्सेप्शनल फाउंडर, कैटेगरी सही। मैं और विनीता आपको कुछ कंबाइंड ऑफर देते हैं, 70 लाख्स फॉर 1%। टेक इट और लीव इट, जल्दी बताइए डील पक्की कि नहीं? डील पक्की विनीता एंड अमन। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। मेरे को पता था आपको अमन की आशा है। वी डिडंट गेट आउट, आपको हमारा ऑफर नहीं सुनना है। नहीं सुनना है, सॉरी। आई थॉट शी इज क्लियर ब्रो, शी हैड अमन की आशा। थैंक यू, वेरी इंस्पिरेशनल। थैंक यू, गुड जॉब। Congrats, all the best. तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आखिरी में कंक्लूड कर नहीं पाया, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोडक्ट्स में बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। हम लोग शायद देश के सबसे बड़े क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बायर्स हैं, स्पेशली जो फ्लोर क्लीनिंग्स हैं। तो उसके लिए मैं आपको न्योता देना चाहूंगा, आप आकर के हम लोगों से मिलिए और हम आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स ब्रो, थैंक्स। मींस अ लॉट। थैंक यू। हेलो शार्क्स, आई एम हमा त्रंबू और मैं 18 साल का हूँ। आई एम साद, मैं 20 साल का हूँ। हम दोनों श्रीनगर से हैं, हम हैं फाउंडर्स त्रंबू स्पोर्ट्स के। हम बेचते हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के कश्मीरी विलो बैग्स। इनकी लकड़ी पूरे इंडिया में कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं मिलती, और अकॉर्डिंग टू द कश्मीर विलो एक्ट, कश्मीर विलो का रॉ मटेरियल कश्मीर से बाहर नहीं जा सकता। हम लेदर बॉल और टेनिस बॉल से खेलने वाले दोनों बैट्स बनाते हैं। हमने 2021 में स्टार्ट किया था और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और रिसेंटली लॉन्च वेबसाइट के थ्रू अभी तक 20,000 से भी ज्यादा बैट्स बेच चुके हैं। हमने अब अपने एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा विजन ये है कि हर कोई कश्मीर विलो बैट और स्पेसिफिकली त्रंबू स्पोर्ट्स के बैट से खेले, और लोगों का एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाए कि इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो बैट्स में कुछ फर्क है।
इसी के लिए हमारी आस्क है 30 lakh for 3% इक्विटी। तो शख्स, क्या आप हमारे साथ मैदान में उतर कर छक्का मारना चाहते हैं? तो क्या करते हैं आप एग्जैक्टली? वुडन बार्क, जो विलो या जो भी टाइप का वुड होता है, आप लेकर उससे फैब्रिकेट करते हैं वुडन टायर्स? सबसे पहले तो हम कश्मीर विलो का एक लॉग सिलेक्ट करते हैं, फिर हम उसके ग्रेन्स को चेक करके उसकी ग्रेडिंग करते हैं। उसके बाद वो लॉग कटने जाता है, फिर उसके क्लेफ्ट बनते हैं। उसके बाद वो हमारी सीजनिंग फैसिलिटी में आता है। नॉर्मली सीजनिंग ट्रेडिशनल मेथड से जब करते हैं, इसमें 1 साल से लेकर 18 months का टाइम लगता है। हम इस सीजनिंग प्रोसेस को विद इन अ वीक कंप्लीट कर पाते हैं और जो रिजल्ट होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से कई ज्यादा बेहतर है। ये बताइए कि सीजनिंग में आपका प्रोसेस क्यों इतना सुपीरियर है, जो कि 1.5 साल की जगह आप 1 हफ्ते में कर पा रहे हैं? जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ओपन एयर में स्टैक करते हैं क्लेफ्ट्स को, तो वो इट टेक्स अबाउट 18 months टू गेट ड्राई एनफ। और आपके प्रोसेस में आप क्या करते हैं? हमारे पास स्टीम बेस्ड सीजनिंग प्लांट्स है, वो स्टीम बेस्ड सीजनिंग प्लांट्स में 7 days में कंप्लीट हो जाता है सीजनिंग। सीजनिंग कंप्लीट होने के बाद बैट्स हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे आते हैं, जहाँ पे हार्ड प्रेस होते हैं। हार्ड प्रेस की वजह से बैट की स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बैट ड्यूरेबल हो जाते हैं। इस स्टेप के बाद बैट्स में सिंगापुर केन हैंडल लगता है। सिंगापुर केन हैंडल शॉक अब्जॉर्ब करता है, तो इसकी वजह से हमारे बैट की क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी आप कितने बैट्स बेच रहे हैं हर मंथ और ऑनलाइन बेच रहे हैं? ऑनलाइन राइट नाउ अराउंड 1000 बैट्स पर मंथ। 1000 बैट्स पर मंथ कहां से बेच रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड वेबसाइट। अभी हम ऑनलाइन मार्केटप्लेस पे भी लॉन्च हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पे कितने सेल कर लेते हैं महीने के? इंस्टाग्राम पे 70%। तो रफली आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है दिस मंथ? वी हैव डन अभी तक 18 लाख। वहाँ पे भी काफी इंडियंस ऐसे प्लेयर जो क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे भी उनको इंग्लिश विलो बैट्स महंगे मिलते हैं। कैसे मिले आपको कतर में कस्टमर? कॉन्टैक्ट किया डीलर ने इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे तो मेल किया तो बात की, विद इन 2 days ही फाइनलाइज द डील एंड सेंट द बैट्स। कितने बैट्स बेचे वहाँ? 1000। ये ऑर्डर आया उसके बाद? नहीं, अभी लास्ट मंथ ही था। ओके, चलिए मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, 30 lakhs for 10%, दैट इज 3 crore बैट्स। मेरा ऑफर छुड़ा लिया। चलो, आपसे पहले छुड़ाया। चलो, आई विल जॉइन विनीता इन दिस ऑफर इफ शी वांट्स, क्योंकि एट दिस यंग एज यार हमको तो सर और पैर में फर्क क्या यही नहीं पता था। सो 30 lakhs 10% अनुपम और मैं आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। मैं तेरे को इंडिविजुअल ऑफर देता हूं, ठीक है? तो मैं तुम्हें देता हूं 30 lakhs for 6%। मेरा आपके लिए ऑफर है 30 lakh rupees। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट भी लगभग 30 lakh rupees का था, जो कि 4% ऑफ ओनरशिप को लेकर के मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। वाओ, 7.5 crore। चलिए, आप सोच के आइए और वापस। ठीक है ना, जाइए। थैंक यू। वाओ, दैट वाज फास्ट। देखो, याद रखना, धाकड़ा ऑफर आपको किसने दिया है। तो अमन, पीयूष, क्या दोनों आप हमारे डील में आना चाहते हैं एक साथ? 30 lakhs for 4% कर दे हम दोनों आज। चलो, डल कर देते हैं बात। 30 lakh 4%, वी आर डन। चलो, डन। अमन, थैंक यू, डन। वी विल शो दिस टू स्काई एंड अरे भाई, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सब अपने मजा आएगा। वी एनीवेज, आई एम love the fast beetle founders, it is one of our best investment. No worries, Aman decides which bat these players play with. Aap figure mat kariyo, bilkul. Thank you, thank you, thank you. Good luck. Good job. Thank you.